ये देखिए अभी इसका सक्शन ऑन है, हीटर ऑन है, मशीन वर्किंग कंडीशन में। मैं आपको ये मशीन अभी पटक कर दिखाऊंगा और वापस कनेक्ट करके दिखाऊंगा कि इसके अंदर कितनी स्टडीनेस है और इसकी लाइफ कितनी लंबी है। सर हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज समीर, न्यू गैजेट नगरी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको फिर लेकर आया हूँ करोल बाग से हटके और आपकी उम्मीद से थोड़ा सा ऊपर, जहाँ पर मैंने पहले दिखाया था कि एक जगह लेकर आया था जहाँ आपको मैंने SMD वगैरह के बारे में दिखाया था, मगर मैं आज थोड़ा सा सेपरेटर वगैरह जो कि सोल्डरिंग आयरन हो गई या हॉट गन वगैरह हो गई, आज मैं आपको वहाँ लेकर आया हूँ और मैं आपको मिलाने वाला हूँ इन सब के ऑनर से, अमर जी से। हेलो सर। हेलो समीर जी। सर हमें आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और हमारे दर्शकों को बताइए कि आपकी कंपनी किस नाम से और क्या क्या आप बनाते हैं। सर हमारी कंपनी का नाम है करण इंटरनेशनल, हीट गन्स हैं, इसमें हम 1600 वॉट इस मॉडल में बनाते हैं हम जी। ये हमारा प्राइमरी मॉडल हो गया 1600 वॉट की हीट गन का, और ये हमारा मेन मॉडल हो गया ये 2000 वॉट की हीट गन का। सर इनमें फीचर बता सकते हैं थोड़ा सा कुछ आइडिया? सर इसमें फीचर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, इन मॉडल्स में हम विथ रेगुलेटर दे सकते हैं जी। आपको टेम्परेचर कंट्रोल करना है जहाँ पे इसकी टेम्परेचर 300 डिग्री से लेकर 600 डिग्री तक वैरी करता है। इसमें डुअल स्टेप्स हैं, स्पीड हाई हो सकती है, स्पीड लो हो सकती है, और ये एज पर आपकी रिक्वायरमेंट आप इसको मॉडिफाई भी करवा सकते हैं सर। ठीक है सर, एक छोटी सी क्वेरी होती, जैसे आपने इतना सब कुछ दिखाया तो ये हमें बता सकते हैं कि ये कहाँ पर बनता है, मतलब असेंबल होता है? बिल्कुल दिखाता हूँ सर, आपको पूरे फैक्ट्री विजिट कराऊंगा मैं अभी सर। सर ये एक लैंप भी और रखा है, इसके बारे में आपने नहीं बताया। सर ये हमारा LED लैंप है, ये बेसिकली मल्टीपर्पज लैंप है। ठीक है, ये जब आपको PCB रिपेयर करना होता है तो इसके ऊपर हमने यहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास भी एक लगा के रखा हुआ है जी। इस ग्लास के थ्रू PCB के छोटे कंपोनेंट्स आपको इनलार्ज फॉर्म में नजर आते हैं। ठीक है सर, और इस लैंप की सबसे बड़ी खासियत है सर, इसमें 24 LEDs लगी हैं और हर एक LED इंडिविजुअल सर्किट से जुड़ी हुई है। अगर आपका एक LED यहाँ ख़राब होता है, खैर उसकी भी ख़राब होने के चांस बिल्कुल नहीं है, अगर एक भी ख़राब होता है तो ऐसा नहीं कि पूरी LED सिस्टम बंद हो जाएगा, एक बंद होके बाकी 23 की 23 चलती रहेंगी। तो ये हमारे इसमें एक और एडिशनल फीचर है सर। सर ये हमारी नए रेंज ऑफ माइक्रो आयरन पेन्स हैं, जीजू ब्रांड, मैक्सपमा ब्रांड, बाकू ब्रांड, ये अपने सारे इनहाउस ब्रांड्स हैं हमारे, और ये सोल्डरिंग स्टेशन के साथ जो पेन होते हैं 12 वोल्ट वाले, ये वही वाले पेन है सर। सर एक छोटी सी क्वेरी थी, ये सब जो आपने हमें इतने सारे चीज़ें दिखाई हैं और सेपरेटर भी दिखाए माइक्रो, इस पे कोई वारंटी वगैरह कुछ होती है? सर ये बहुत अच्छा सवाल पूछा सर आपने। आज सर अपनी वारंटी हम ये नहीं बोलते 2 महीने 4 महीने 6 महीने जैसे मार्केट में दूसरे लोग बोलते होंगे, कि हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट जो बनते हैं हमारे अंडर, हम डायरेक्ट मालिक की हमारे सुपरविजन के ही अंडर हैं, तो सर हमको पता है हम इसके अंदर क्या डाल रहे हैं। ठीक है, हम नहीं बोलते 2 महीने 4 महीने, हम बोलते जो तो प्रोडक्ट खराब हुआ जी बिना फिजिकल डैमेज के, तो सर ये चीज हमारी बन जाएगी। कोई भी फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हुआ तो ये चीज वापस मेरी बनती है, इसमें फुल गारंटी है, भले आप मेरे को 6 महीने बाद दो या 8 महीने बाद दो, टाइम मैटर नहीं करता इस चीज के अंदर। फ्रेंड्स अगर किसी भाई की कोई भी क्वारी हो तो नीचे आप देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स है और वहां जाकर आप एक नंबर है व्हाट्सएप नंबर, आप डायरेक्ट इनसे चैट कर सकते हैं जिस प्रोडक्ट के बारे में भी आपको छोटी सी छोटी डिटेल भी चाहिए। सर अब मैं आपको इनके फीचर्स के बारे में बताता हूँ, जो हमारे टच सेपरेटर्स हैं इनके फीचर्स क्या हैं। सर सबसे पहली बार सर इनके अंदर जो पंप लगा है वो बड़े साइज का पंप है। मार्केट में बहुत सारी ये टच सेपरेटर्स आते हैं जिनके अंदर पंप जो होता है वो छोटे साइज का होता है, इससे क्या होता है सक्शन पावर ज़्यादा बनती नहीं है, तो जो मोबाइल में जो नीचे सक करने की पावर होती है वो कम रहती है सर। दूसरी बार सर इसमें मैं आपको गोल्डन प्लेट में भी ये प्रोडक्ट दे सकता हूँ और सिल्वर प्लेट में भी दे सकता हूँ, फ़र्क ज़्यादा
नहीं पड़ता, लेकिन हर बंदे का हाथ किसी चीज में अगर सेट हो तो उसके कन्वीनियंस के हिसाब ये बना होता है। ये हमारे काफी हैवी प्रोडक्ट्स हैं और बेस्ट चीज इसमें ये है सर, ये हमारा स्टूडेंट को भी केटर करते हैं और टेक्नीशियंस को भी केटर करते हैं। फॉर द सिंपल रीजन, ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में। मार्केट में कोई कोई प्रोडक्ट्स हैं जो चाइनीज आ रहे हैं इससे काफी एक्सपेंसिव रेंज में, लेकिन ये इकोनॉमिकली वेल प्लेस्ड है। जो वैल्यू हम दे रहे हैं आपको जिस प्राइस पे, वो और किसी प्रोडक्ट में मार्केट में आपको नहीं मिलेगा सर। ठीक है, तो आप दिखाएंगे सर को डेमो वगैरह इस पे? मैं आपको इसका सक्शन पावर एक बार दिखाता हूँ सर, और इसके अंदर वो फीचर भी होगा जैसे मार्केट में होता है, हीटिंग बंद करना चाहते हैं और वैक्यूम ऑन करना चाहते हैं। बिल्कुल सर, इसके अंदर हमने अभी हीटिंग ऑफ कर दी है सर। ठीक है, ठीक है, हीटिंग ऑन करके हम यहाँ से अपना टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा वैक्यूम का बटन है। ठीक है सर, वैक्यूम ऑफ हो गया है। अब हमने वैक्यूम ऑन कर दिया। अब इसकी वैक्यूम की पावर कितनी है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सर एक बार। ठीक है सर, ये अराउंड कितना वेट उठा सकता है ऐसे? सर इस मशीन का तो वेट 2 kg है, लेकिन इस मशीन के सक्शन पावर ये 2 kg से भी बहुत ऊपर है। मैं आपको इसके एक छोटा सा डेमो दिखाना चाहता हूँ। ठीक है समीर जी, मैं आपको यहाँ पे एक सक्शन का टेस्ट दिखाऊंगा। ये 5 मशीन आप देखेंगे एक दूसरे अलाइंड है, ये जॉइंट है मशीन। टोटल इनका वजन हो रहा है 10 kg 200 g, ये यहाँ पे हमारे लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये जो हम टेस्ट देखने वाले हैं, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, ये ना कभी हिंदुस्तान में, ना कभी चाइना में, ये पूरे विश्व में आज तक कभी ये टेस्ट नहीं हुआ होगा। हम एक मशीन जो टॉप मशीन है इसमें हम सक्शन ऑन करेंगे, इसके थ्रू हम बाकी सारी मशीन का वेट पुल करेंगे। और समीर जी मैं चाहूंगा ये टेस्ट आप खुद करें ताकि आपके व्यूअर्स सेटिस्फाइड रहें ये चीज कैसे चल रही है। ठीक है फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं ये इसके ऊपर मैं रखता हूं, और रखने के बाद आप काउंट कर लें 1 2 3 4 5 मशीन है तकरीबन 10 kg इनका वेट है और 2 kg की 1 मशीन है, और मैं इनको कोशिश करता हूं उठाने के लिए। ये जैसे कि आप देख रहे हैं मैं इनको ऊपर उठाया है और प्लीज वेट 0 हो गया यहाँ पे, और यहाँ आप देख रहे हैं वेट 0। अब सर मीजे वापस रख दीजिए, देखिए वापस 10 kg। अब ये 10 kg 5 kg क्योंकि अब इसमें इसका भी वेट आ गया है फ्रेंड। जैसे कि अभी आपने देखा मैंने 10 kg वेट एक सेपरेटर से उठाकर दिखाया है आपको, और ये सेपरेटर कहां पर असेंबल हो रहे हैं और कैसे बन रहे हैं ये मुझे भी नहीं मालूम। मैं सर से रिक्वेस्ट करता हूं, सर प्लीज आप हमें अपनी फैक्ट्री दिखाएं सर। बिल्कुल दिखाता हूं सर, और मेरा ये दावा है आपको ये फैक्ट्री देखने के बाद आप बोलोगे कि ये विजिट आपके बिना पासपोर्ट की चाइना ट्रिप बन गई है सर। ठीक है सर। सर जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये माल रेडी फॉर डिस्पैच है, यहाँ पर सेपरेटर्स पड़े हैं रेडी फॉर डिस्पैच, ये हमारे बाकू के माइक्रो सोल्डरिंग स्टेशन पड़े हैं रेडी फॉर डिस्पैच, हमारी हीट गन्स हैं, हमारे जितने प्रोडक्ट्स हैं सारा रेडी स्टॉक यहाँ पर पड़ा हुआ सर। अपना इन हाउस प्रिंटिंग डिवीजन भी है, जितने भी आप आइटम्स देख रहे हैं उसके ऊपर जो प्रिंटिंग होती है वो भी हमारे यहीं पे होती है पूरी सर। आप माइक्रो आयरन बोल लीजिए, माइक्रो सोल्डिंग स्टेशन बोल लीजिए, हीट गन बोल लीजिए, हर प्रोडक्ट अपने ब्रांड का जो है अपने फैक्ट्री में ही प्रिंट होता है बाकायदा। सर जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारी ये LED लैंप मैन्युफैक्चर हो रही है, ये असेंबल करके पूरा एक सेटअप बन जाता है और इसके बाद ये रेडी फॉर डिस्पैच मोड में आए थे सर। ये LED लैंप जो मैं आपको बोल रहा था 24 LED लैंप्स हैं विद इंडिविजुअल सर्किट्स हैं। ये हमारे माइक्रो सोल्डरिंग पेन की चेकिंग हो रही है यहाँ पे, माइक्रो सोल्डरिंग पेन जो 12 वोल्ट का पेन होता है जो सोल्डरिंग में काम आता है उसकी चेकिंग हो रही है, हर पीस को यहाँ पे इंडिविजुअली चेक किया जाता है, उसके बाद रेडी फॉर डिस्पैच होता है वो सर।
यहाँ पर हम जो देख रहे हैं जो हीट गन होती है, हीट गन का जो एलिमेंट रहता है वो भी अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग में है। जिस तरह से आप चाय जब पीते हैं तो आपको पता है उसमें शक्कर कितनी है, स्वाद उसका कैसा है, उसी अनुसार बनता है। सिमिलरली सर, हमारी हीट गन के अंदर क्या क्वालिटी जा रही है क्या नहीं जा रही वो भी डिपेंड करता है हम क्या प्रोडक्ट्स उसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, क्या उसके अंदर रॉ मटेरियल है वो हम यूज़ करें, इसलिए हमको पता है उसकी क्वालिटी कैसी रहेगी। सर यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं प्रोडक्ट असेंबल हो रहा है, इसके अंदर जो मैं पंप के जिक्र कर रहा था आपसे, बड़ा पंप लगाया जा रहा है सक्शन बेटर करने के लिए। पीसीबी भी हाई क्वालिटी का है हमारा, और जो हम डिस्प्ले भी यूज़ कर रहे हैं ये भी चाइनीज़ यूज़ कर रहे हैं सर, कि यहाँ पे क्वालिटी का कोई मतभेद आ ही नहीं सकता कभी। यहाँ असेंबल होने के बाद इसके ऊपर टॉप की प्लेट्स लगाई जाती हैं, ये वाली जो बड़ी प्लेट्स जो हैं, ये बड़े वाले मॉडल सीडी के जो टैब में यूज़ होते हैं। ये सर जैसे हमारे पास गोल्डन प्लेट और सिल्वर प्लेट का जो ऑप्शन जो मैं आपको कह रहा था, गोल्डन प्लेट है जिसके अंदर सिंगल एलिमेंट चौरस एलिमेंट लगा हुआ रहता है, ठीक है, किसी को ये इसकी प्रेफरेंस रहती है तो हम उसको ये देते हैं, कोई अगर हमको मांगता है डबल एलिमेंट के लिए तो हम उसको ये ऑप्शन देते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली पर्पस दोनों में सेम ही है, लेकिन हर एक की अपनी प्रेफरेंस की बात रहती है इसमें। ये सर हमारा चेकिंग यूनिट है, हर एक पीस वहाँ से जो बन के आता है हर एक पीस यहाँ पे चेक होता है, बिना चेक किए कोई पीस यहाँ से पास नहीं होता। इसलिए हम जो क्वालिटी का दावा बोलते हैं इसी रीज़न के लिए बोलते हैं कि हमको पता है कि हर पीस चेक कैसे हो रहा है। सर बोल दे और वापस ठोक के दिखा देना। यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं एलसीडी के सबसे प्राइमरी पार्ट जो हैं, पंप हो गया, पीसीबी हो गया, डिस्प्ले होगी, वो यहाँ पे असेंबल होते हैं सबसे पहले, इसके बाद हम इसको सोल्डरिंग प्रोसेस में लेके जाते हैं। सर अपनी मशीन की एक क्वालिटी और बताऊंगा, इसकी जो स्टडी बॉडी में बोल रहा था जो अक्सर ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आती है, आउट स्टेशन जाने के बाद काफ़ी लोगों की कंप्लेन आती है दूसरे प्रोडक्ट्स की, भैया माल खराब हो रहा है, माल टूट जा रहा है। लेकिन सर वो तभी होता है जब आपका प्रोडक्ट कमज़ोर हो, कभी ट्रांसपोर्टर पर ब्लेम नहीं डालना चाहिए, अपने प्रोडक्ट के ऊपर इम्प्रूव करना चाहिए। सर आज मैं आपको दिखा रहा हूँ हमारे प्रोडक्ट में जान कितनी है। सर ये देखिए, अभी इसका सक्शन ऑन है, हीटर ऑन है, मशीन वर्किंग कंडीशन में। मैं आपको ये मशीन अभी पटक कर दिखाऊंगा और वापस कनेक्ट करके दिखाऊंगा कि इसके अंदर कितनी स्टडीनेस है और इसकी लाइफ कितनी लंबी है। सर ये हमने इसको पटका 6 फीट की हाइट से, उसके बाद हम इसकी स्ट्रेंथ चेक करते हैं। हीटर भी ऑन चल रहा सर। तो जितना भी ट्रांसपोर्टेशन में पटका पटकी हो, इस प्रोडक्ट को अनलेस कोई इंटेंशनली डैमेज ना करे ये खराब नहीं हो सकता। फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूंगा। और इन प्रोडक्ट्स के बारे में कोई भी इंक्वायरी चाहिए आप तो नीचे के दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू।